अगर आप अपने विंडोज 11 में क्रोम ब्राउजर को अगर आप यूज करते हो और आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो वर्क नहीं कर रहा है या वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे आपको पहला प्रोसेस बताता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको पावर बटन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रीस्टार्ट करने से भी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। अगर बाय द वे आपका ये पहला प्रोसेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो मैं वहाँ पे आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। वो अपने क्रोम ब्राउजर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की और आपको यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको आपका क्रोम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इस क्रोम को रीनेम करना है। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लास्ट की ओर आपको रीनेम का ऑप्शन आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इस रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रीनेम में यहाँ पे क्रोम 1 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। इंटरफेस करने के बाद जो ये मेरा क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे रीनेम कम्प्लीटली हो चुका है। रीनेम हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इस पे ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे दोबारा से शो मोर्स ऑप्शन में चले जाना है। शो मोर्स ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्रिएट शॉर्टकट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यस और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको अब करना क्या है कि आपको इसे अब क्लोज कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करना है। मैंने आपको एटलीस्ट कम से कम एक से दो बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको शॉर्टकट यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का आपको यहाँ पे दो शॉर्टकट दिख रहा होगा, और जो ये पहला शॉर्टकट है तो आपको करना क्या है कि आपको इस पहले वाले शॉर्टकट को डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इससे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो मेरा पहला वाला शॉर्टकट था वो डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे जो मैं न्यू शॉर्टकट क्रिएट किया हूँ, तो आपको करना क्या है कि अब आपको इसे ओपन करके चेक करना है कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं, मैंने ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे अब आपको थर्ड नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद और आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको सर्च बार में टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च करता हूँ कंट्रोल पैनल और आप यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे कंट्रोल पैनल का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे लार्ज आइकन्स कर लिया हूँ। लार्ज आइकन्स करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। इस रिकवरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में भी चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने रीस्टोर का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज को मैंने अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे मान के चलिए कि ये जो प्रॉब्लम है आपका क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका आज आया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आज आपका डेट है 24/01/2023। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज आया है। और रीस्टोर करने से क्या होगा कि ये जो आपका विंडोज है, ये आपका जो सिस्टम है, वो एक दो दिन पीछे चला जाएगा। मैंने एक दो दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे जो भी डेट को डेट और टाइम को आप सेलेक्ट करोगे, तो उस डेट और टाइम के अनुसार ये आपका जो सिस्टम है ये एक दो दिन पीछे चला जाएगा, या आप जितने भी दिन पीछे करना चाहोगे डेट के अनुसार वो उतने दिन ही पीछे चला जाएगा। और उतने दिन पीछे आपका जो ये क्रोम था वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था, जैसे मान के चलिए वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था, तो आपका सिस्टम जो है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा और आपका जो ये क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे मेरा आपको एक ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है 10/01/2023, और आज का डेट है 24/01/2023। यहाँ पे एटलीस्ट जैसे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करूंगा, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम वो है वो 14-15 डेज यहाँ पे पीछे चला जाएगा।
जैसे मेरे यहाँ पे अभी फिलहाल एक ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे वन ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पे आपको 2, 3 या 4, 5 और भी डेट आपके यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपके यहाँ पे शो हो रहा है आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे सिंगल डेट ही यहाँ पे शो हो रहा है और मैं इसी डेट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सी ड्राइव वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद और आपको इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका ये सिस्टम है वो सिस्टम रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि रिस्टोर होने में एटलीस्ट आपको यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि 15 मिनट भी टाइम लगता है, कभी कभार 30 मिनट भी टाइम लगता है, और कभी कभार तो किन लोगों का 1 आवर 2 आवर का भी टाइम चला जाता है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लेना है। और ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी जीबी का रैम है, क्या प्रोसेसर है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। डेटा पे भी डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है आपके सिस्टम पे, उस हिसाब से यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है और आपको कंप्लीटली अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लेना है। अगर आप चार्ज में नहीं लगा, अगर आपका लैपटॉप है अगर चार्ज नहीं है, तो आप पहले इसे चार्ज कर में कनेक्ट कर लीजिएगा, चार्जर से कनेक्ट कर लीजिएगा, तब जाकर आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कीजिएगा। अब मैं आपको जैसे बाय द वे मान के चलिए अगर आप रिस्टोर किए हो, रिस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ऐसे मैं आपको बता देना हूँ, रिस्टोर करने के बाद जो ये प्रॉब्लम है क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो ही जाएगा कंप्लीटली। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बता दूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने सिस्टम के, मैंने आपको अपने विंडोज़ के दिस पीसी में चले जाना है। डिस पीसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे सी ड्राइव में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव में चला जाता हूँ। सी ड्राइव में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यूजर्स का आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा, तो आपको इस यूजर्स वाले फोल्डर में चले जाना है। यूजर्स वाले फोल्डर में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो फोल्डर आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, पब्लिक का और यहाँ पे मेरा जो सिस्टम का यूजर नेम है उस नेम से यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके यहाँ पे आपका सिस्टम नेम किसी और यूजर नेम से है, तो आप यहाँ पे अनदर यूजर नेम का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसी फोल्डर में चले जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसी फोल्डर में जाकर दिखाता हूँ। जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च करना है कि यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिस्टम ऐप के नेम से यहाँ पे आपको फोल्डर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे आपको वो यहाँ पे फोल्डर आपको यहाँ पे शो नहीं होता, जैसे मेरे यहाँ पे फिलहाल शो नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इस व्यू वाले ऑप्शन में चले जाना है। व्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको शो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस शो वाले ऑप्शन में जाना है। इस शो वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हिडन आइटम्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये जो फोल्डर है यहाँ पे शो होने लगा है, ये फोल्डर मेरा हाइड था, अब ये मेरा अनहाइड हो चुका है, तो आपको ये फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा होगा ऐप डाटा के नेम से, तो आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको लोकल का आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा, पहला फोल्डर जो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। इस फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल, गूगल का फोल्डर आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको गूगल का आपको यहाँ पे फोल्डर दिख रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। इस फोल्डर में जाने के बाद अब आपको करना है क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्रोम का आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा, तो आपको करना ये है कि आपको इस क्रोम वाले फोल्डर को डिलीट कर देना है। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में चला जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ही आपको डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इस क्रोम वाले फोल्डर को कंप्लीटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिलीट करता हूँ, तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम का जो ये फोल्डर था, ये फोल्डर यहाँ पे कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। अगर बाय द वे यहाँ पे अगर आपका ये जो फोल्डर है ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्या होता है किन किन लोगों का यहाँ पे जो फोल्डर होता है क्रोम का ये डिलीट नहीं होता है, अगर बाय द वे यहाँ पे आपका जो क्रोम का जो फोल्डर है डिलीट नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इसे मिनिमाइज कर लेना है, कट नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ इसे मिनिमाइज करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में या आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड में यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को यहाँ पे प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे सर्विसेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं जो बैकग्राउंड में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्रोम का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है। जैसे बाय द वे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये जो है, मान के चलिए कि ये मेरा क्रोम का ये एप्लीकेशन है, क्रोम का यहाँ पे ये जो सर्विस है ये मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि ये मेरा क्रोम का एप्लीकेशन है, अभी फिलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरा,
अगर बाय द वे आपका डिलीट नहीं हो रहा है वो फोल्डर, तो आपका यहाँ पे वो एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए कि ये मेरा वो एप्लीकेशन है, क्रोम का ये एप्लीकेशन है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इंड टास्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस इंड टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है, मेरे सिस्टम के बैकग्राउंड में जो चल रहा है क्रोम ब्राउजर का एप्लीकेशन, वो इंड हो जाएगा, मैंने वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद अब आपको इसे क्लोज कर लेना है और वापस से उसी फोल्डर को ओपन करना है। और उसी फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपका क्रोम का जो ये फोल्डर जो था, उस फोल्डर को आपको डिलीट करके देखना है कि वो डिलीट हो रहा है कि नहीं। तो आप उस पर डिलीट करोगे तो वो आपका जो क्रोम का जो फोल्डर है वो आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड में क्रोम का जो सर्विस चल रहा था तो उसे मैं इंड कर दिया हूँ, मैंने उसे क्लोज कर दिया हूँ। तो उसके बाद ये आपका जो फोल्डर था यहाँ पे क्रोम का, वो आप डिलीट करोगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अपने सिस्टम पर एक बार रिफ्रेश करना है और यहाँ पे आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और वो जो आपका क्रोम है वो ओपन हो जाएगा और वो क्रोम आपका परफेक्ट तरीके से वर्क करे। और गाइस अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।